ये वीडियो है सिंगल लॉन्डो के लिए। और वैलेंटाइंस डे के दिन भाई सिंगल लोगों का क्या ही हाल होता है वो बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, वो तो आराम से कपल्स घूमते रहते हैं। तो ऐसे में आपका मन ही नहीं करता कि आप बाहर निकल कर देखें उनके, क्योंकि जब देखते हैं तो सीने में आग लगती है, दिल भाई टूट जाता है बिल्कुल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बींग सिंगल, अगर आप एक सिंगल लॉन्डे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्पेशली वैलेंटाइंस डे के दिन। सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि इन्जॉय योर वैलेंटाइंस अलोन। अकेले वैलेंटाइंस डे को बिताइए। जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई हो तभी आपकी जिंदगी चले। अरे कोई बात नहीं यार, अकेले पैदा हुए थे ना, अकेले जीना भी हम जानते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास गर्लफ्रेंड हो तभी हम खुश रहे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, गर्लफ्रेंड होगी अच्छी बात है, कुछ चीजें हमें उससे मिलेंगी, कुछ चीजें हम उसको देंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी नहीं है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तो याद रखिए कि गर्लफ्रेंड सब कुछ नहीं होती। अगर आप वैलेंटाइंस डे के दिन ये सोच रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उदास हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा, तब तक अपन को क्या करना है, वेट करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर नहीं गर्लफ्रेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले जियो, अकेले मस्त रहोगे। नंबर दो, अगर आप फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें, याद रखिए कि वो फ्रेंड्स भी सिंगल होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कमिटेड होंगे तो यही बताते रहेंगे आज मैं बंदी के साथ यहाँ गया, मैंने ओयो बुक की, मैंने ये किया, मैंने, तो आप जल जाओगे, है ना, आप चाहते नहीं हो ना, आप भुट्टे के समान जल जाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ ना रहें जो कि ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऐसों के साथ रहिए जो कि सिंगल हैं, तो आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि अभी साला ये भी तो सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ यार, हम दोनों मस्त हैं। तो आप थोड़ी चुगली करोगे, बुराई करोगे फलाने फलाने जो कमिटेड होंगे उन लोगों की, तो आप थोड़ा बूस्टेड फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे। तो याद रखो, फ्रेंड्स के साथ रहो, और अगर नहीं हो सकता है तो अकेले रहो, लेकिन उन लॉन्डो के साथ मत रहो जो कि कमिटेड है यार, दिल जलता है भाई। और नंबर तीन और आखिरी चीज जो कि आपको करनी चाहिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है तो यार उसको ट्राई कर सकते हो, प्रपोज आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो अपनी दिल की बात, हो सकता है कि वो मान ही जाए। अब प्रपोज ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं कर देना है ना, इसके पहले भी कोई चीजें चलती आती हैं। तो मैं मानता हूं कि आप पहले से ट्राई करते आ रहे थे, थोड़ा आपने वक्त उसको दिया होगा, उसको लव, उसको केयर, उसको सपोर्ट किया होगा। तो आज अगर आपका टाइम है उसको कुछ कहने का, तो आपको कैसे कहना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप हैंड रिटन में सब कुछ उसको लिख कर दें, एक खत के समान उसको हाथ से लिख कर दीजिए कि आप उसके बारे में क्या फील करते हैं, जब आपने उसको देखा था तो कैसा सोचा था। और अगर आपको डेट्स याद है तो भी आप उसको बता दीजिए कि इस डेट पर हम मिले थे, यहाँ मिले थे, ये हुआ था, वो हुआ था। अगर नहीं भी याद है तो कुछ भी दे देना उसको, क्या घंटा याद होगा, अगर याद होगा तो फंस जाओगे तुम। एनीवे, दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आप एक पीपीटी टाइप बनाकर दे सकते हो, नॉट एग्जैक्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट हाँ आप एक वीडियो बना के दे सकते हैं जहां पर वो स्लाइड्स इधर उधर हो रही हैं, जहां पे आप फोटो भी डाल सकते हो कि जे जे साहब लोकेशन में मिले थे, प्लेस से मिले थे, उससे आसपास की कोई लोकेशन कि हम यहां मिले थे। अगर आपके पास फोटोज हैं जब आपने दोनों ने एक साथ क्लिक करवाई थी तो भी अटैच कर सकते हो, डेट भी डाल सकते हो कि हम ऐसे मिले थे, फिर ये हुआ, फिर हमने यहां गए, वहां गए, उसके बाद मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी, है ना। प्रपोजल एक अच्छा होना चाहिए, अगर आप ऐसे देंगे तो हो सकता है कि आपकी बातों को मान ले। नंबर तीन, जो कि सबको पता है, बहुत लोगों को पता है, कि आपको एक रोज देना चाहिए जो कि रेड कलर का होगा ऑब्वियसली। उसके साथ आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट में आप छोटा सा टेडी दे सकते हैं या वो चीज दे सकते हैं जो कि लड़की को चाहिए। अब वो आपको लड़की से पूछना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि लड़कियों को वो गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो कि उनकी यूटिलिटी के लिए होता है, क्योंकि सब लड़कियां ऐसी नहीं होती कि आप महंगे गिफ्ट दे देंगे तो खुश हो जाएगी, ऐसा सब लड़कियों के साथ नहीं होता, बहुतों के साथ होता है। तो अगर आपकी वाली ऐसी है जो गोल्ड डिगर है तो उसको एक महंगा सा गिफ्ट दे दीजिए, क्या पता उसे मान जाए, बट क्या ही फायदा होगा, है ना, कब तक गिफ्ट देते रहोगे ऐसी यार डायन को। और आखिरी में, अगर वो लड़की मान जाती है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी भाई मिंगल हो चुके हैं। और अगर नहीं मानती है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है यार, गर्लफ्रेंड से ही सब कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, अकेले रहो, मस्त रहो। और अगर वो नहीं मानती है तो एक और मोटिवेशन वीडियो डाल दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए जब कोई लड़की इनकार कर देती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज ऑन कर देना।